नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्बल चॉकलेट ब्राउनी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल पे एक अंडा लेके उसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसमें मैंने 25 ml ऑयल डाला है। आप यहाँ किसी भी तरह का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट ये ऑयल स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की ना हो, जैसे सरसों का तेल। इसके बाद इसमें हम अपना केक फ्लावर मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ 1.5 कप केक फ्लावर यूज़ किया है। मैंने केक फ्लावर की रेसिपी डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हमें इसका एक बैटर रेडी करना है। मैंने यहाँ 50 ml पानी यूज़ किया है। इस बात का ध्यान रखें कि हमारा बैटर ओवर बीट ना हो। इसके बाद एक स्पैचुला की मदद से हम इसे कट एंड फोल्ड करेंगे। आप बैटर का टेक्सचर देख सकते हैं, इसे इस तरह से गिराने पर रिबन बनना चाहिए। ये हमारा परफेक्ट बैटर है। मैंने यहाँ पर इस तरह का रेडीमेड पेपर मोल्ड यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। इस मोल्ड को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसमें डायरेक्टली अपना केक बैटर डालेंगे। बैटर को पूरे मोल्ड पे अच्छी तरह से फैलाएंगे और टैप करेंगे। अब हम चॉकलेट बैटर रेडी करेंगे। मैंने यहाँ सेम बॉल ही यूज़ किया है। केक फ्लावर की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोबारा हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। अब हम अपने मोल्ड के ऊपर हमारा चॉकलेट बैटर इस तरह से डालेंगे। इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाएंगे और टैप करेंगे। मैंने यहाँ ऊपर में थोड़े से आलमंड फ्लेक्स और किशमिश के डाले हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने अपने ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए गर्म किया है और हम इसके बाद इसे 40 मिनट के लिए फिर बेक करेंगे।
केक ठंडा होते ही हम इसे अनमोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसमें चॉकलेट सिरप डालेंगे और कट कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी मार्बल चॉकलेट ब्राउनी। है ना ये बिल्कुल आसान, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, आप इसे ज़रूर बनाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।